ये देखो ये मेन रोड है, यहाँ नारे होगा अपना अंदर जाने का, पूरे होटल में बस्ती है। ये देखो ऊपर, ये देखो ऊपर सर। जैसा कि आज एनसीपी के जिला और शहर अध्यक्ष आजा साहब आए थे यहाँ पर, उनके सामने आपने नागरिकों की क्या समस्या रखी? अभी जो है तो 3 दिन से मुसलसल हमारी लाइट बंद है। ये बिस्मिल्ला कॉलोनी है, यहाँ पर अगर आपने अभी सर्वे करे है और देख लीजिए, ये देखिए कम से कम 200 कनेक्शन ये खंभे पे है, आगे देखो 5-100 कनेक्शन है। ये पूरे महल्ले की आबादी 7-100 लोग है, लेकिन जो है तो यहाँ पर जो अधिकारी बैठे हुए हैं वो इंसान नहीं है, वो इंसान के रूप में जो है तो शैतान है। अगर उनके पास आप समस्या लेके जाएंगे तो वो आपको बोलते लाइट बिल का है, ऐसा का है, तुम्हारे महल्ले में लीगल नहीं है, लीगल है, ऐसा है वैसा है। तो ये सिर्फ बाता बनाने का काम यहाँ का प्रशासन कर रहा है। इसलिए हम एमएससीबी के जो भी वरिष्ठ अधिकारी है उनसे हमारी ये मांग है कि भाई वो जल्दी से जल्दी नारेगांव की इन समस्याओं का हल करें, वरना हम यहाँ के जो है तो हम ये नहीं देखेंगे। अगर कुछ होता है, हम ये धमकी नहीं दे रहे, लेकिन वो अधिकारियों को कुछ होता है या ऑफिस पे कुछ तोड़फोड़ होती है तो उसकी जिम्मेदार एमएससीबी खुद रहेंगी, क्योंकि अभी लोग जो है तो बहुत गुस्से में, 3-4 दिन से यहाँ पर लाइट नहीं है, घरों में किसके छोटे बच्चे हैं, किसके घर में बीमार है, किसके घर में पानी नहीं है। इसलिए जो है तो एमएससीबी के जो भी अधिकारी है वो फौरन जो है तो इसका जो है तो हल निकालें, नहीं तो जो है तो अगर कुछ होता है ऑफिस पर तो उसकी जिम्मेदार वो खुद रहेंगे। उनको बोला कनेक्शन होना, पानी के लेन की बात करा तो जो जो गलिया का नहीं है वो बादशाह भाई के पास दो, हम वो भी लेन डालने का काम करेंगे। और सबसे पहले तो आज ये जो है हमारे ये बहुत खतरनाक है, यहाँ पे हम सब मिलकर यहाँ जब पोल नहीं, अभी ये मेरे को तो आधा कितने दूर तक तो पोल ही नहीं, यहाँ से इनकी जगह पे से जाएंगे ना, यहाँ से पूरा कनेक्शन है। हम उनके पास जाएंगे अभी यहाँ, इसके बाद में आप 3 दिन से बंद है तो हम हमारे हमारी पूरी टीम आप भी सब रहेंगे, वो अंदर क्यों नहीं आने दे रहे, बाहर क्यों नहीं, आप लोगों के काम अगर 3 दिन लाइट नहीं बाकी का तो ये गलत है। और जो भी तुम्हारा जो भी प्रॉब्लम है हमारे बादशाह है बटेल, हम अरे यहाँ पे पूरी टीम है, मैं हमेशा आते रहता हूँ, हमारे हाफिज साहब वो पूरे हमारे जो साथी, मैं वो रोड से आता रोड से जाता, मेरे अंदर पहले बार ही आया, मगर जो जो प्रॉब्लम है हमारे, आप कोई मैंने बोले कि जो भी बीच में जो महानगर पालिका का था हमने वो भी 1,60,00,000 वो भी मंजूरी करा दी, जो भी रोड भी है तो आने वाली स्मार्ट सिटी के अंदर तो नहीं बनी, महानगर पालिका के अंदर यहाँ पे अच्छा आदमी तुमको चुना के देना पड़ेगा, आने वाले इसमें आपको देखना पड़ेगा कि आदमी अगर अच्छा रहेगा। कौन बोल रहे हैं? जो करीम भाई जिम्मेदार जो रहेगा तो यहाँ आ जाना। कौन सी गली है? इधर आओ करीम भाई। नहीं है ना, जब तक उन्हें आके देखता नहीं उसको समझ में आएगा।